नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल फार्मेसी हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 32 प्लस है और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आया है। इनके क्वेश्चन तो बहुत हैं कि ये पूछना चाहती हैं कि लाइफ में ये आगे तरक्की करेंगी नहीं करेंगी, बहुत से क्वेश्चन जो एक एक अपनी लाइफ में हर कोई पूछना चाहता है। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड है, वो क्या होगा, बच्चे का अगर पता लग सकता है तो वो बताइए, अब जॉब छोड़ दी है आगे कब मिलेगी वो बताइए, ठीक है, और कितनी तरक्की लिखी है वो बताइए, ये सारी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक 3 है और इनका अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति होता है। बताता किस चीज़ को है, व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, साथ साथ मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हो, लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी की फील्ड में, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर यहाँ से बनते हुए दिखाई देते हैं। मूलांक 3 की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि होती है और उनकी कमजोरी अहंकार होता है। पेट के रोग होने के संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़िंदगी का खुलकर मज़ा लेना चाहते हैं, इन लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही मोटिवेट होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। रंग साफ होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और उम्र के साथ मोटे होते रहते हैं। कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, एक जगह को देख लें तो वो चीज़ भूलते नहीं हैं उस जगह को। ट्रस्टवर्दी होते हैं, मीठी वाणी होती है, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। अपनी पढ़ाई में अगर ये ध्यान ना दें तो बहुत दिक्कत आती है। नया कुछ करना, नई सोच इनके लिए आगे इनको प्रेरित करती रहती है और पढ़ाई ख़त्म करके रिसर्च भी करते हैं, लेकिन बीच में पढ़ाई छूट जाए दिक्कत आती है। डिज़ाइनिंग में, शिक्षा में सफल रहते हैं, सरकारी नौकरी भी में अच्छा कमाते हैं ये लोग। पूजा पाठ में भी सफल रहते हैं, एम्बिशंस बहुत होती हैं, हर काम में आगे रहना, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर, ये चाहते हैं कि हम आगे आगे रहकर ज़िंदगी में तरक्की करें। वैवाहिक जीवन में हमेशा थोड़ा बहुत कष्ट के साथ फिर आगे टिकना शुरू हो जाता है, लेकिन लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवाभावी भी होते हैं, विवादों से दूर भी रहते हैं, धार्मिक होते हैं, उम्र के साथ धार्मिकता भी बढ़ती है, तर्क शक्ति अच्छी होती है। दोस्ती कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 के साथ इनकी दोस्ती अच्छी बनती है। देखो ये देखिए, इनका हथेली रेक्टेंगुलर, अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएंगे। इस तरक्की का लेवल अगर देखा जाए तो क्या निकल के आ रहा है, यस ये तरक्की अपनी लाइफ में करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, ठीक है। उंगली देखें, यहाँ पर कमी, अगर ये छोटी होती है, देखो सीए होने के बावजूद भी ये छोटी है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कहीं दिक्कत आई, चाहे किसी भी फील्ड में अगर लेंगे वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किस लिए, याददाश्त शक्ति, क्योंकि इनमें कोई कमी नहीं होती, इन लोगों में कोई कमी नहीं होती, बट लेकिन जब ये 4 जनों के साथ बैठते हैं तो अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना जो होती है ना इनके अंदर आनी शुरू हो जाती है। वो कौन सी उंगली देती है, रिजर्व काइंड ऑफ नेचर वो कौन सी देती है, वो एक कमी अपने अंदर क्यों पैदा करने के लिए कहती है कि मैं इनसे कम हूँ, मैं कम, वो कौन सी उंगली, वो ये उंगली देती है। अपने बच्चों की इस उंगली को टेस्ट करते रहो, अगर वह सूर्य की ये वाली उंगली से अगर नीचे है उसे प्रमोट करो, कहाँ पर, स्कूल में, एक्टिविटीज़ में, कल्चरल प्रोग्राम में, वो आगे से आगे, खेल कूद में उसे आगे, वो पीछे पीछे रहेगा, जब पीछे रहेगा तो क्या होगा, रिजर्व काइंड ऑफ नेचर, शाइनेस आनी शुरू हो जाएगी, ज़िंदगी में उसे डर लगेगा, स्टेज शो पे जाते हुए उसे स्टेज पे जाते हुए डर लगेगा, वो आगे उसके नंबर कम आएंगे, सब कुछ होगा, यहीं से परफॉर्मेंस गिरनी शुरू हो जाती है। माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि इन उंगलियों को टेस्ट करते हुए देखो, केवल इनसे याददाश्त शक्ति और इनसे मत देखो, शाइनेस नेचर होगा, रिजर्व काइंड ऑफ नेचर बन जाएगा, ये दिक्कत देगा, उसकी पढ़ाई में दिक्कत देगा, हर चीज़ में आगे, आजकल का टाइम ऐसा नहीं है, एडवांस है आजकल के लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये उंगली कितनी बड़ी है, अब ये गलत है। एक तो इनके हाथ में रेखाएं बहुत, ये रेखाएं क्या इंडिकेशन कर रही हैं, दो चीज़ों को इंडिकेशंस कर रही हैं, घबरा गई है ये देखकर, कह रही है मेरे हाथ में तो इतनी रेखाएं हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या है, मैं एक एक रेखा को पढ़ सकता हूँ, एक एक रेखा को मैं दिखाऊंगा। एक्चुअल में रीज़न क्या होता है कि व्यक्ति
आपको जो टेंशन होती है ना, मेरा मेन मकसद क्या है आप लोगों के पास पहुंचने का, आप मुझे क्वेश्चन बताएं और वो क्वेश्चन को मैं स्टडी करूं और ढूंढूं और उसकी तह तक पहुंचूं। अदरवाइज़ आप मुझसे ये कहने लग जाओ ना कि सर आप मुझे मेरी रेखाओं के बारे में बताओ, तो मैं तो 5 घंटे बता सकता हूँ, पर लेकिन उस रेखा का मतलब क्या है आप बताओ ना, क्वेश्चन बताओगे तब मैं खोजूंगा ना उसका मतलब। इसके तो 10 मतलब निकलते हैं ना, एक ही रेखा के वो कनेक्शन देखना पड़ता है कि किस एज में कहाँ पर जाकर सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ मंगवाना, टाइम मंगवाना, ये क्या है, ये इन्हीं चीज़ों का तो गेम है और क्या है, खाली एनालिसिस करने में क्या रखा है, ये यहाँ से जा रही है उंगली, ये वहाँ पर है, इससे कोई बात नहीं बनती है। ठीक है, सेहत में भी इनकी कमी, इनकी कमजोरी आएगी, इनकी जो लाइफ लाइन है वह भी जो है थोड़ी सी चेन टाइप आ रही है, हृदय रेखा भी आ रही है, माइंड लाइन पे भी यव के निशान आ रहे हैं, डिस्टरबेंस इनकी लाइफ में पूरी शो हो रही है, दिखाऊंगा मैं आपको। तो कहने का क्या भाव है, कहने का भाव ये है कि लाइफ में इन चीज़ों को थोड़ा सा, कि ये उंगली अगर बड़ी है तो बहुत दिक्कत देगी, एक तो ये रेखाएं तंग कर रही हैं, ऊपर से ये उंगली तंग करेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रहे, वो पूरी नहीं हो पाएगी। पैसों से आप किसी को तोलो, आप पैसों से किसी की हेल्प करो और रिवॉर्ड बैक, आप मैं आपको चाहो कि मुझे उसका रिवॉर्ड मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। जिसके लिए आप कुछ करोगे अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नहीं मिलना, ये लिख लीजिए। जिसकी भी ये उंगली बड़ी होती है उसे बड़े झटके लगते हैं लाइफ में, बड़े झटके लगते हैं, उसे समझ नहीं आता है यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, ये उंगली करती है ना। थोड़ा सा ईगोइस्ट होता है व्यक्ति, अपनी थोड़ी सी चलाने वाला, टाइम आता है तो जिद्दीपन दिखा देता है, समझ नहीं आता, इसे खुद नहीं समझ आएगा, पर लेकिन होता है, दूसरे व्यक्ति को वहीं से सारी गेम जो होती है ना पलटनी शुरू हो जाती है, पर व्यक्ति को नहीं समझ आती है। ये तरक्की भी बहुत कराता है, बहुत ज़्यादा तरक्की कराती है उंगली, केवल माइनस पॉइंट नहीं, इसके प्लस पॉइंट भी बहुत हैं, हर उंगली के माइनस और प्लस पॉइंट होते हैं। जैसे सूर्य की उंगली क्या करती है, इनिशिएटिव दिलवाती है और फंसाने का काम, 99% लोगों को लोन में लाने का काम भी वही करती है। यहाँ पर मत रखा करो, जो अभी तकलीफें आ रही हैं ना, ये यही कारण है कि आप लोग ये अंगूठे को चिपका के रखते, ये नेचर सही नहीं होता, फैला के रखो, जितना फैला हुआ होगा तकलीफ़ें, पैसा ज़्यादा आएगा, कम से कम तकलीफ होगी, नेचर डिफाइन करता है, यहाँ से ये नेचर थोड़ा सा दबा हुआ नेचर ये इंडिकेशन दे रहा है, चिपक के हर चीज़ रखी हुई है, सहमे हुए हैं लोग, जॉब में भी अपने खुल के काम नहीं कर पाओगे, कहीं पर भी खुल के काम नहीं कर पाओगे, वो लेवल नहीं आ पाएगा आप लोगों का। उंगलियाँ कहती हैं मुझे फ्रीली, आप क्या कपड़े टाइट कपड़े पहन सकते हो, क्या होगा, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटा सो सकते हो, नहीं सो सकते हो, फ्रीली नहीं रह पाओगे, ऐसे ही ये चिपक के रह रही, फ्रीली नहीं है, ये नेचर बता रही है, सहमा सहमा सा नेचर, खुल के अपनी लाइफ इंजॉय करो। मूलांक 3 हो वो तो अपनी लाइफ खुद जीना चाहता है, और वो देखो मूलांक 3 का ये देखो कितना डिस्टर्ब है, क्या डिस्टर्बेंस आ रही, उसके ऊपर सूर्य पर्वत देखोगे टोटली डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है, और यहाँ से रेखाएं इंडिकेशन क्या दे रही है, क्या बहुत कुछ इंडिकेशंस दे रही है लाइफ में, ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड है, अब कोई क्या कहेगा इसे, देखो ध्यान से समझना, ये देखो क्या समझे, अरे सर मेरे हाथ में तो ट्राइडेंट्स बनने की कगार में, अब क्या करा आपने, इसकी तो कोई, इसे इग्नोर कर दिया ना आपने, इसे नहीं देख रहे आप, इसे देख रहे बस, इसे देख रहे, और क्या ये आपका नज़रिया है कि ये ट्राइडेंट, ये किसने दी सोच, ये यूट्यूब ने दी सोच, ध्यान से समझना ये क्या है,
क्या है ये, इस रेखा ने इस रेखा के साथ, तो यहाँ त्रिभुज का वो एंगल क्यों नहीं मिल रहा सीधा, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ अगर रहेगा तो पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है ना वो बैलेंस रिश्ता कहलाता है। यहाँ पर वो कमी क्यों है, ये सीधा क्यों नहीं है, हृदय रेखा पर सीधा क्यों नहीं टच हो रहा। और देखो क्वेश्चन क्या निकल के आया कि मेरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड है, क्या मैं बना के रख रहा हूँ ये हाथ, नहीं बना के रख रहा, नहीं रखा ना। मैंने तो आपको बस वही समझाना चाह रहा हूँ कि सूर्य पर्वत पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, व्यक्ति के रिलेशन कैसे कैसे हैं सब कुछ पता लगता है, सब कुछ पता लगता है। मैंने इनसे बस इतना कहा कि आपकी लाइफ में मुझे तलाक के फॉर्मेशंस लग रही हैं। मैंने कहाँ चेक करा, क्या मैं ये चेक करूँ कि ये एक ऑफ शूट आ रहा है इनकी शादी में और ये कट हो रहा है, मैं वो ABC वाली पामिस्ट्री देखूं और तुक्के मारने वाली पामिस्ट्री देखूं, मैं क्यों देखूं। जब मुझे इस चीज़ का पता है कि ये चीज़ें क्या कहना चाह रही हैं तो करूंगा, दिखाता हूं ना मैं आपको, दिखाता हूं। ये रेखा बहुत कुछ कह रही है, ये रेखाएं बहुत कुछ कह रही है, तीन तीन बातें बता रही हैं, बताऊंगा अभी, पहले आपको फॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये देखना यहाँ पर भी ये रेखा है, एक रेखा ने इसे टच कर रखा है, दूसरे ने क्यों नहीं कर रखा, क्यों नहीं कर रखा, क्या मतलब। अब यहाँ पर आओ, यहाँ त्रिभुज है आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, कोई बनता हुआ साफ दिख रहा है, डिस्टरबेंस दिख रही है, ये डिस्टरबेंस कौन सी डिस्टरबेंस है ये भी बता सकता हूँ। ये देखो ये रेखाएं, ये देखना ध्यान से देखना, ये सूर्य रेखा थोड़ा सा, ये सूर्य रेखा यूं गई यहां तक आई, यहां आकर रुक गई, अब किसका सहारा लेना चाह रही है, देखना ध्यान से देखना किसका सहारा लेना चाह रही है। इसने क्या करा, एक रेखा ऐसे गई, इसने इसका सहारा लिया, एक इसने सहारा लिया इसका, एक इसका, एक इसका, ये पीछे क्या बन रहा है, देख ये पीछे क्या बन रहा है, बन रहा है। और ये रेखा ने किसका सहारा लिया है, ये कौन सी रेखा है, समझ आ गई। इनकी अब शुक्र रेखा बताता हूं कि वो क्या करना चाह रही है, दोनों हाथों में अलग अलग होती हैं फॉर्मेशंस, उन्हें समझना। देखो ये रेखा, ये वाली रेखा क्यों इस वाली रेखा के साथ टच हुई, ये तो राहु रेखा है और ये होती है भद्र रेखाएं होती है, ये इतना आ गई कि इसने राहु रेखा को टच कर दिया, कुछ समझ आई बात, एक एक करके समझा। मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा क्या आपने जॉब छोड़ी, दिखाता हूँ दूसरे हाथ में, देखो ये रेखा पतली सी देखना, ये रेखा क्या करना चाह रही है, ये क्या कर रही है, ये देखो ये यहाँ जाकर ये प्रोग्रेस लाइन बनी, यानी इनको अपनी लाइफ में जब ये अपने मायके में थी एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिला, सब कुछ मिला, सारी चीज़ें इन्होंने करी लाइफ में, वहाँ से इनको हेल्पिंग हैंड भी मिले, सब कुछ मिले। पर लेकिन मैंने इनसे ये कहा कि यहाँ पर इसी रेखा ने इसका इम्पैक्ट क्यों ले लिया, राहु रेखा का इम्पैक्ट क्यों ले लिया, यहाँ पर देखना क्लोजअप में, ये देखो इसी रेखा ने इसका इम्पैक्ट लेते हुए यहाँ पर आ गए। मैंने इनसे कहा कि ये वही टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ पर इन्होंने जॉब छोड़ी। मैंने इनसे ये कहा कि क्या इन्होंने यहाँ पर, ये देखो ये टाइम पीरियड वही है ना, मैंने कहा कि क्या आपने किसी से सलाह, हाँ मैंने अपने घर में ली थी, मैंने कहा वो लेना छोड़ दो, अपनी अपनी माइंड से करो, क्यों, क्योंकि कोर्ट और कचहरी की रेखा पर भी यही रेखा टच कर रही है, ठीक है। तो कह रही है चलो ठीक है, वो मैं सोच समझ के कर लूँगी। अब बात आती है कि इन्होंने बाद में क्वेश्चन, जब मैंने फीडबैक दे दिया तो इन्होंने क्वेश्चन कहा कि सर मेरा एक बच्चा है, बेटा है, 3 साल का है, वो उसका कुछ दिख सकता है। मैंने कहा आपने क्वेश्चन नहीं बताया था, मैंने सर्च नहीं करा, देखो उसका कुछ दिख सकता है, इन इस हाथ में मैं बहुत कुछ कर सकता था, पर लेकिन लिमिटेशन मेरी भी है, तो है मेरी भी लिमिटेशन है ना। क्वेश्चन पूछा, फर्ज है मेरा अगर हाथ दिख रहा है तो, हाथ में अगर है तो
पता लगेगा ही लगेगा। अब ध्यान से समझना, ये लग्जरी लाइफ की रेखाएं है। अब बच्चे का जो माँ बाप होते हैं ना, इनका कुछ लाइफ में एक एम होता है जब बच्चा पैदा करते हैं, तो मैंने अपने बच्चे को बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, मैं ये बनाऊंगी, मैं वो बनाऊंगा, ये पहले से सोच लेते हैं। और कुछ लोग उस पर वर्किंग करते करते अपनी ना, जैसे कहते हैं, लाइफ में अपने लिए सेक्रीफाइस कर लेंगे पर बच्चे के लिए नहीं करेंगे, तो वो लग्जरी लाइफ से निकलती है रेखाएं, कि अपने बच्चे के लिए हर ज़रूरत का काम, हर ज़रूरत उसकी पूरी करनी है, तो लग्जरी से निकलेगी लाइफ। तो बड़ा आसान सा फार्मूला मुझे आता था, मैंने क्या करा, मैंने कहा यहाँ से देखूँ निकली, बस यहाँ से टेस्ट करी एक रेखा, अरे ये यहीं से शुरू हो रही है, अरे ये तो यहाँ से भी कनेक्शन यहाँ से आया हुआ है। अब इसको चेक करना था बुध रेखा से, क्योंकि कमाई करके ये तो रेखा यहाँ से निकल गई, इसका मतलब यहाँ नहीं होता। अब मुझे ये देखना था कि कुछ रेखा इसे टच कर रही है नहीं कर रही, जो बुध पर्वत पे जा रही है। देखो इसी रेखा को इसने टच करा और अब इसे टच कर दो, ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर जा रही है, अब यहाँ पर ये तीसरी चीज़ें बन रही है। देख ध्यान से समझना, इसने चंद्र के कला के क्षेत्र पे क्यों यहाँ पर ले आई है, यहाँ पर निकाल के कला के क्षेत्र पे क्यों ले आई, आप समझते हो इसका मतलब, पामिस्ट्री में कला के क्षेत्र को, यानी बच्चे में कोई टैलेंट। मैंने कहा कि क्या आपने ये स्टेप लिया तो क्या बच्चे के लिए लिया था, देखो शार्पनेस देखो, मैंने कहाँ से कहाँ बात को जोड़ा और उसके बाद, क्योंकि इनका क्वेश्चन ऐसा था, मैंने कहा ये वाला ये जो छोड़ी है ना, ये आपने उसके कारण तो नहीं छोड़ी है, क्योंकि यहीं से निकल रही है और ये यहाँ पर दिखा रही है। फिर मैंने कहा, कहती है हाँ मैंने ना वो बहुत छोटा है अभी, मैंने ये सोच रही हूँ आगे बात। फिर मैंने कहा कि आप मुझे बताएं क्या बच्चे में कोई टैलेंट, क्या कह रही, हाँ वो दूसरों से बहुत अलग है, वो शार्प माइंडेड है। अब बताओ कैसे ये सारी चीज़ें मैच हो रही, ये रेखा ने कैसे मैच कर रही है, क्यों, क्योंकि ये है, ये करेगा बच्चा, ये अलग रहेगा और माइंड लाइन के पास से निकलकर ये इसकी तरफ जा रही है। अब इसमें दो काम आ गए, यानी इनको तो यहाँ तो इनको देखना है कि भगवान क्या करता है, एक काम से बहुत सारी चीज़ें, सही काम भी होगा नुकसान भी तो करवाता है। अब ये ऊपर से आती है तो क्या होता है, मैंने कहा कोई आपके, आप या आपके हस्बैंड क्या अपने घर वालों से मिलकर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हाँ वो ले तो रहे हैं, मैंने कहा मत लेना, लड़ाई झगड़े रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा, बहुत सिरदर्दियाँ रहेंगी। इंडिकेशंस देखो एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ, और इसी के साथ एक और रेखा टच है, वो कौन सी है, वो तलाक की रेखा है, यानी कोर्ट कचहरी की रेखा है। उनने क्या कह दिया, हर चीज़ ये रहोगे तो प्रॉपर्टी में नुकसान, वो करोगे तो आपका वो, मैं इन्हें क्या कह दिया कि आप सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि वहाँ पर उस हाथ में क्या थी, भद्र रेखा से एक रेखा ने राहु रेखा का पार्ट लिया था, उस हाथ में दिखाया था ना मैंने अभी आपको, वहाँ से लंबी सी एक रेखा जा रही थी जिसने राहु रेखा का पार्ट लिया था उस हाथ में, तो वही रेखा ने क्या मतलब बनता है कि आप सलाह मत लेना किसी से, आप सोच समझ के 10 जनों से सलाह लेना तब कोई स्टेप उठाना लाइफ में, क्यों, क्योंकि आगे जाकर ऐसा ना हो कि तलाक हो जाए, क्योंकि फॉर्मेशंस बने हैं, पति आपके हिसाब से नहीं है, सिरदर्दी आपको लग रही है, सब कुछ लग रही है, वो डिसीज़न आपने लेना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बना के रखो अपनी लाइफ में, पर लेकिन सोच समझ के करो। तो कहने का क्या भाव है, अब देखो ये एक फॉर्मेशन और निकल के आई है, अब ये फॉर्मेशन निकली है तो ये क्या कह रही है, देखो ये कह रही है पेट खराब रहेगा, अब एक फॉर्मेशन और निकली हुई है, इसमें पेट खराब की भी है, केतु पर ये भी बन रहा है, प्रेगनेंसी में दिक्कत भी आती है, मे भी हो सकता ना आई हो इस बारी, ना आई हो अगली बारी में आएगी ज़रूर, कभी मिसकैरेज हो जाता है, कभी प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, इसमें पेट भी खराब रहेगा। अच्छा अब एक फॉर्मेशन और बनी हुई है, वो ये है, ये फॉर्मेशन देखो यहाँ पर ये फॉर्मेशन बनी हुई है ना, जिस किस तरीके से ऐसे 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 करके ऐसे कर, आप इसे डमरू साइन बोल दो, पता नहीं क्या क्या करके ना व्यू लेना शुरू कर दो। अब दूसरे हाथ में दिखाता हूँ, मतलब एक ही है,
अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये बन गया, ये बन गया, इसके ऊपर एक ऐसी सी एक फिश सी बन गई, और यहाँ पर ये बन गया और ये बन गया, इससे ये बन गया, मतलब वही बन रहा है और कुछ नहीं। आप इसे फूल मान लो, पत्तियाँ मान लो, आप कुछ भी मान लो, ये आपका है। ये मिरर इफेक्ट होते हैं हाथ में, एक हाथ के दूसरे हाथ से कैसे देखना है वो पता होता है। एक स्टैंप बनाने वाला व्यक्ति स्टैंप को उल्टे अक्षर लिखता है, उल्टे अक्षर छपे होते हैं, इंक का सहारा लगता है तो वो सीधा दिखना शुरू करता है, करता है नहीं करता है। बस इसी तरीके से भगवान भी इन चीज़ों को मिरर इफेक्ट में ले आता है, पढ़ने वाला पढ़ लेता है, दूसरा वाला तो समझता रहता है फूल पत्तियाँ और ये सारी चीज़ें पढ़ता रहता है। वो स्टैंप उल्टे अक्षर कागज पर जैसे ही शाही का इंक का रखेगा सीधे बन जाता है। तरीका है समझने का, समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्या करेगा, ये क्या करता है, भक्ति भाव को बताता है, मेडिटेशन को बताता है व्यक्ति को, और ये एक अच्छा साइन होता है, व्यक्ति ध्यान लगाता है। मैंने इनसे ये कहा कुछ है, यस। अब केतु पे ये फिश बन, केतु पे ये जब ये त्रिभुज बनेगा या ये वाली फॉर्मेशन बनेगी, नुकसान भी दे रही है, पेट भी खराब करेगी, सब कुछ करेगी, और उसके बाद क्या देगी, प्लस पॉइंट क्या देगी, भक्ति भाव को बढ़ाएगी। छाया ग्रह पर सोच समझ के भक्ति करना इसकी, क्योंकि ये भक्ति वो भक्ति नहीं है जो गुरु की भक्ति होती है। अर्ध गुरु की भक्ति बहुत जबरदस्त भक्ति में से एक आती है, वो भक्ति ऐसी भक्ति होती है जो आदमी डोलता नहीं, जैसे सरदारों में गुरु ग्रंथ साहब में मेंशन है, वो भक्ति होती है गुरु तेग बहादुर की, उनकी भक्ति भक्ति कहलाती है, क्राइस्ट की भक्ति। चढ़ गए सूली पे चढ़ गए, लेकिन जो कहा वो नहीं माना, नहीं उन्होंने, ये होती है भक्ति, वो ये भक्ति छाया ग्रह है, इसकी भक्ति भक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके अंदर भावनाएं आएंगी, भगवान के प्रति आस्था आएगी, अच्छी बात है, पर लेकिन टेस्ट करते रहो, कहीं गुमराह तो नहीं हो रहा, क्योंकि तो चंद्र का सहारा अगर ले लेगी बहुत गलत फॉर्मेशंस देनी शुरू हो जाती, बहुत गलत फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर और क्या, एक पल, बहुत काम, बहुत काम। इस रेखा ने इसको टच करा, इस रेखा ने इसको टच करा, और इस रेखा ने इसको टच करा, ठीक है। ये क्या देख, ये क्या बताना चाह रही, कह रही है कि भैया आपने बाहर सेटल होना है, होना है। अब इन्हें अभी तक फीलिंग ही नहीं आई, इन्हें फीलिंग ही नहीं आई, हाथ सब कुछ है। क्या होता है गृहस्थी में, इतना आदमी खो जाता है, वो उसे समझ नहीं आता कि लाइफ में हो क्या रहा है, मेरी लाइफ में क्या है। मैंने कहा पैशन रखो, देखो कैसे कैसे लिंक निकलेगी, पैशन, पैशन रखो, देखो कैसे आप बढ़ोगे अपनी लाइफ में। मैं आपको बूस्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। माइंड लाइन पर देखो यव के निशान, ये डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस दे रही है, ये देखो डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस तंग करेगी, माइंड आपका सही नहीं रह पाएगा। तो कहने का क्या भाव है कि आपके हाथ में तो है तो बहुत कुछ, पर लेकिन सब कुछ इस जगह आकर खत्म हो चुका है, इस एरिया में है। सर 37 के बाद नहीं है मेरे हाथ में कुछ भी, कोई कठिनाई नहीं है, ना 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 ना, कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं, आराम से मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ, हाँ जी सकती हूँ। 37 के बाद तो दौड़ना शुरू करोगे, अभी क्या है डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अभी डिस्टर्ब दिखाता हूँ, ये देखो 33.7 या 34 तक ये डिस्टरबेंस यहाँ पर शो हो रही, इसके बाद से नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही केवल इनको केवल झेलना पड़ेगा, अदरवाइज तो और कोई दिक्कत मुझे दिखाई दे नहीं रही, ठीक है ना। आगे यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इनकी लाइफ में। और इससे डरना मत कि जो मैंने आपसे बताया है कि ना कुछ नहीं होता, जो चीज़ लिखी है सो लिखी है, उसमें क्या डरना, ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टी में भी नुकसान लिखा है कुछ नहीं होता, इस रेखा ने इसके सहारा लिया है, ये प्लस पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ जा रही है,
ये वो उसी रेखा से, कहाँ पर आपके बच्चे वाली पर टैलेंटेड, वो अगर यहाँ से कोई रेखा निकलती है टच कर रही है, इसको यहाँ से कर रही है, इसको बुध रेखा से कर रही है, आपको आगे जा रही है, समझ जाओ, टेस्टिंग फार्मूले देख लो ना भाई, टेस्टिंग फार्मूले देखो, पूछो क्वेश्चन, ढूंढना शुरू करो, बच्चे का पूछा, हाँ देखो उनका जीवन का मकसद क्या है, लग्जरी लाइन को चेक करो, लग्जरी लाइन से चेक करते हुए बुध बुध रेखा को चेक करो और कनेक्शन निकाल लो, पति पत्नी के रिश्ते देखने हैं, सूर्य पर्वत से सारी टेस्टिंग शुरू कर दो, कहाँ तक आ जाओ, इस एरिया तक आ जाओ, इस एरिया के इस यहाँ से टेस्टिंग करते हुए इस एरिया के अंदर आ जाओ, एक एक चीज पता लग जाएगी, एक एक चीज पता लग जाएगी, फॉर्मूले मैं बता दूंगा आपको, आप काम आपका है। तो कहने का भाव क्या है कि इनका कुछ मैंने कैलकुलेशंस निकाली हैं, पहले वो देख लेते हैं कि इनकी कैलकुलेशंस क्या आ रही हैं। इनकी कैलकुलेशन आ रही है, मैंने इनसे कहा था कि 20 साल में, इन्होंने कहा हाँ 20 साल मेरा अच्छा गया था, मैंने अपनी अपना क्लियर करा था, एंड देन मैंने कहा 22वां, हाँ 22 में कुछ, हाँ मैंने कहा 24 में, हाँ मेरा वो क्लियर हो गया, मतलब एंड इनफैक्ट सारी चीज़ें इनके हाथ में मेंशन है, यहाँ से ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, 20 22 24, ठीक है, मैंने वहाँ पर लिख दिया व्हाट हैपन्ड एट 26, हाँ यहाँ दिक्कत दिक्कत दिक्कत, ठीक है, अब एक मैंने लिखा 28, हाँ वो शादी, हाँ ठीक है, कुछ नहीं है उसके बाद, कुछ नहीं है, फिर सीधा आप ध्यान से देखा जाए, फिर सीधा आ गए 32 पे, ठीक है, यहाँ पर ये कट लग गया, उसके बाद कोई कट है ना, ये कट है, ये देखिए वाला कट है, ये पीछे से आ रहा है नहीं, ठीक है ना, एक ये वाला कट यहाँ पर आ जाएगा, लगभग लगभग अगर मैं कहूँगा 35.5 साल पे भी पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, दिखाई दे रहा है, ये भी इनको इम्पैक्ट देगा लाइफ में, ठीक है, और उसके बाद 36.5 साल में, यहाँ तक बस इनकी लाइफ में एक दर्द है, उसके बाद से इनका कुछ कुछ भी नहीं है जिंदगी में, पैसा यस, शोहरत यस, तरक्की यस, सब कुछ है, यानी 36.5 साल से सब कुछ इनके पास मिलता शुरू हो जाएगा, इसका सहारा मिला हुआ है, इसका सहारा मिला हुआ है, फिर ये सहारा, फिर ये सहारा, फिर ये सहारा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ, देखिए ये एरिया 42 का है, ठीक है, ये एरिया आपका 44.5 का है, ये एरिया 47 का है, ये एरिया 49 का है, ये एरिया 53 का है, तो यानी इनकी लाइफ में यहाँ यहाँ पर पैसा होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट या खर्चे आएंगे, किसी के पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे करेगा, तो ये प्लस पॉइंट है इनकी लाइफ में, यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सीधी रेखा धड़ाधड़ भागती जा रही है, आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब देखो मैंने इन्हें एक चीज़ बोला कि लाइफ में क्या आपने ट्राई नहीं करना बाहर जाने का, तो देखो क्यों मैंने इनसे ये वाली बात करी, इस कनेक्शन में अगर ये इसका सहारा लेकर ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है और ये रेखा इधर जाने की कोशिश कर रही है, तो क्या बता रही है, कुछ तो ट्राई करो, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तभी तो आगे चलोगे, बाकी आपकी किस्मत है भाई, देखो रेखाएं हैं, अगर पॉजिटिव रहोगे तो ज़्यादा अच्छा तरीके से, नहीं तो डेड की डेड पड़ी रहेगी, वो तो ये बता रही है, ठीक है ना। अब एक आदमी है वो जिम जाता ही नहीं है, वज़न उसका बहुत बड़ा हुआ है, अब कोई उसे कहता है, प्रमोट करता है, भैया वज़न कम कर लो, एक अंदर उसे बूस्ट कर देता है, वो क्या करता है, जिम जाता है, सब कुछ करता है, फॉलो करता है, पतला हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फिट हो जाता है, फिर क्या होता है, उसे जाम आ जाता है, और किसी ने एक राय दी तभी तो उसने करा, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो एनालिसिस में यही एक चीज़ निकल के आती है, अगर सही टाइम पर पकड़ लिया जाए तो अब इस हाथ में कोई घबराने वाली बात है नहीं है, केवल शादी के लिए है, वो सचेत कर दिया गया है मैंने आपको, ठीक है। नौकरी के लिए आपने कहा कि अभी मेरी
उम्र जो है उसके आसपास क्या मिलने के चांसेस हैं। तो देखो इस टाइम ऑफ पीरियड पर अगर फिर आ जाएगी आपको एक एक तकलीफ आ जाएगी, अगर कहूँ 35.5 सौ के करीब आएगी, तो उसके बीच बीच में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, उसके बीच में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, ठीक है ना। तो वो अगर ले सको कर सको तो, क्योंकि एक रेखा ने इसका सहारा लेकर यहाँ पे भी है और यहाँ से सीधा आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंजिंग भी आप कर सकते हो, मिल भी जाएगी 34 साढ़े 34 साल में, 34 साल में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है। और आपने बच्चे का पूछा, मैं बता चुका हूँ, वो टैलेंट बनेगा, टैलेंटेड होगा, उसके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट होगा, उसे ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है, फिर आप आगे देखना, ठीक है, हो रहो। बाकी आपको अपनी फैमिली का पूरा साथ मिलेगा, अपनी फैमिली का, मायके का पूरा पूरा साथ है, ये रेखाएं बता रही हैं, टोटली 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 रहेगा, ठीक है ना, नो डाउट, वो हेल्पिंग हैंड है, वे साफ दिख रहा है, ठीक है। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।